हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल्स गैलेक्सी वाई दृष्टि वर्मा। देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से जो एग्ज़ाम हो रहा है, वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपने डिप्लोमा किया हो और आप चूक रहे हो कोई गलती करने से पहले। इसलिए जो गवर्नमेंट का जो नोटिस आया है, जो ऑफिशियल नोटिस आया है, ये उसके बारे में मैं आपको इसमें जानकारी दूंगी। चलिए, इसमें मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है और उनको इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया था, तो ऐसा क्या रीजन है, फिर उसके बाद कोर्ट का क्या निर्देश आया है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इसमें देखेंगे। देखिए, ये जो यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है, उसमें ये नोटिस दिया गया है। साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2016 के अंतर्गत व्यक्ति ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर डिप्लोमा अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हता के संबंध में सूचना। चलिए, इसी के बारे में हम इसमें बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बिल्कुल कहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे होगा क्या कि मैं जितनी भी जॉब अपडेट्स या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल डालूंगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब सिविल्स गैलेक्सी वाई दृष्टि वर्मा। चलिए देखते हैं कि अब एग्जैक्टली जो ये नोटिफिकेशन है वो क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या है इसमें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकम भगवन तृतीय तल गोमती नगर। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2016 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी का विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन की अंतिम तिथि 10/2/2016 निर्धारित की गई थी। उक्त पद पर चयन हेतु आयोग द्वारा दिनांक 28/3/2018 से साक्षरता आयोजित किया जा रहा है। विज्ञापन द्वारा प्रेषित अधियाचन एवं पद की सेवा नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार आयोग के विज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारी के पद हेतु निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता विज्ञापित की गई है। ठीक है, पहला इसमें है विज्ञापन या कृषि के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, कंप्यूटर संचालन में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की अर्हता इसमें साफ साफ दी गई है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ग्राम विकास अधिकारी पद हेतु आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाई स्कूल के पश्चात इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच में डिप्लोमा किया है तथा इंटरमीडिएट की समकक्ष के आधार पर उन अभ्यर्थियों को साक्षरता में भाग लेने से रोका गया है कि वह विज्ञान या कृषि से इंटरमीडिएट नहीं है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या रिट A10825/2018 राम अवध कुमार प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2/5/2018 को पारित आदेश से स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया गया है कि शासनादेश संख्या 7/2016/720/15/7/2016 दिनांक 25/5/2016 द्वारा 3 वर्षीय डिप्लोमा, याद रखिए गया, 3 वर्षीय डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष घोषित किया गया है, जो कि प्रश्न पत्र द्वारा विज्ञापित की तिथि के बाद का है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका निरस्त कर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय आदेश की प्रति संगलन है। उसमें आप देखेंगे, जब आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसमें उसकी प्रतिलिपि भी सम्मिलित की गई है। चूंकि ग्राम विकास अधिकारी पद हेतु विज्ञापन की अंतिम तिथि 10/2/2016 थी, जबकि समकक्षता उपरोक्त शासनादेश 2/5/2016 का है, जो कि विज्ञापन की अंतिम तिथि के पश्चात का है। अतः ऐसे अभ्यर्थी डिप्लोमा अर्हता को उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष इंटरमीडिएट विज्ञान या किसी के समकक्ष नहीं माना जा सकता है तथा कोई अनुतोष नहीं किया जाएगा।
संलग्न यथोपरि उसमें जो दिया गया है वो, तो जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है, जिन लोगों ने 3 साल का डिप्लोमा किया है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनको इंटरव्यू से बाहर निकाला था, जिन्होंने डिप्लोमा किया था, उन्होंने इंटरमीडिएट नहीं किया था, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो डिप्लोमा, जो 3 साल का डिप्लोमा है, उनको भी एग्जाम में, अब जो इंटरव्यू से बाहर निकाला गया था, उनको एग्जाम में इंटरव्यू देने दिया गया था। तो 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए, अब ये 2018 में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों ने 3 साल का डिप्लोमा किया है और इंटरमीडिएट नहीं किया है। तो इस आधार पर वो आपको बाहर नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल एग्जाम दीजिए। जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और इतने अच्छे से तैयारी कीजिए। बिल्कुल इसमें सारे, जैसे कि हिंदी, जनरल अवेयरनेस और जो रीजनिंग है, इन सब की आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। हिंदी का जो वीडियोस है, मैं पूरी सीरीज अभी चलाऊंगी, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं वो डाउट भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।